वो दुबला ना लॉक कटवाने Shall we? Yes. Yes, yes, yes. All right. Thank you. By removing the cover. We just peel the wires off the cover. So the RTPS is the thing that is all over the ground. This is the one that is ये बेसिकली कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी हमने डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी एस्टेब्लिश किया, जिसमें इस वक्त हमने कोविड सैंपल्स को टेस्ट करना है जो डिफरेंट एरियाज से आएंगे एज वेल एज़ फ्रॉम आवर हॉस्पिटल। चूँकि ये कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी का, जिसमें 174 बेड्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इस वक्त पॉजिटिव केसेस एडमिट होते हैं जिनको ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, और ट्रीटमेंट के बाद अपना पीरियड कंप्लीट करने के बाद जैसे जैसे रिकवरी होगी उनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और सबसे पहले हमें प्रेफरेंस उनको देनी है कि हम यहाँ से अपने टेस्टिंग शुरू कर दें। क्योंकि इस वक्त हम जो टेस्टिंग करते थे सैंपल्स भेजते थे स्किम्स, कल हमने 3 पेशेंट्स को रुख्सत किया ट्रीटमेंट के बाद, ठीक होने के बाद जब उनकी 2 कंसेक्यूटिव डेज पे टेस्टिंग हुई। तो आज हम अपनी लैब शुरू कर रहे हैं जहां हम इनिशियली 20 से 30 टेस्ट शुरू करेंगे। आज सबसे पहले हम उन पेशेंट्स का टेस्ट करेंगे जिनके 14 दिन आज कंप्लीट हो रहे हैं, उनका टेस्ट आज होगा और एक कल होगा, और उसके बाद अगर वो दोनों नेगेटिव आ गए तो उनकी रुख्सती होगी क्वारंटीन के लिए घर पे, तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। साथ साथ हमने ये भी इस्तदा की है हुकूमत से कि एक आदायशी मशीन भी लाई जाए जिसमें टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा तेज़ हो। उसमें या तो इस मशीन के साथ हम जो है ऑटोमेटिक आरएनए एक्सट्रैक्टर आ जाए तो उससे और बढ़ जाएगी, उसमें टाइम बच जाएगा, क्योंकि इसमें इस वक्त जो है 6 मिनिमम लगते हैं, उससे हमें 2-3 कम हो जाएंगे इस तरह। और एक और उसके बाद मशीन नई है जिसको जिसमें 1200 टेस्ट की कैपेसिटी होती है पर डे, उसके लिए भी हमने दरख्वास्त की है, क्योंकि ये एक कोविड डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल है तो ये जितनी देर ये चलता रहेगा तो यहाँ इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। और जो पॉलिसी बेसिकली सक्सेसफुल रहती है कोविड मैनेजमेंट के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है सबसे पहले टेस्टिंग का। रैपिड टेस्टिंग जो है ये एक वो चीज़ है जो डायग्नोस्टिक नहीं है किसी के इन्फेक्शन में मुब्तला होने के उस वक्त। रैपिड टेस्ट एक चीज़ दिखाती है कि अगर किसी शख्स को कभी इन्फेक्शन हुआ था 5-6 दिन पहले, उसमें हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, या 2 पहले तो उसमें एक और एंटीबॉडीज़ हम डिटेक्ट करते हैं IgG और IgM। मगर अगर किसी को एक्टिव इन्फेक्शन है वो रैपिड टेस्टिंग से पता नहीं चलेगा। ये हमें क्लस्टर एरियाज़ में रेड जोन्स में काम आ सकता है, हमें ये पता चलेगा कि वहाँ का वायरल लोड क्या था, कब कोई पेशेंट इन्फेक्ट हुआ था। जो बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है किसी के पेशेंट को इसमें मुब्तला होने के, वो हैं यही जो RT-PCR बेस्ड टेस्ट है जो जिसका हमने अभी लैब में इनॉग्रेट किया यहाँ पे। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कोविड-19? मैंने अभी बता दिया कि हम जो प्रेजेंट सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं, हम शायद अभी फेज़ फर्स्ट के एंडिंग स्टेज पे हैं, जो फेज़ सेकंड है इसका, जहाँ पे कभी जो इसका पीक है जो है वो एब्रप्टली शुरू हो जाता है, शायद उस स्टेज पे हम अभी नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि जो प्रोपोर्शनेटली वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होता है वो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे मतलब मेरा ये अंदाज़ा है कि शायद जो भी एहतियाती तदाबीर हमने सरकार की तरफ से या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से प्रोफेशनल्स की एडवाइस के हिसाब से जो भी गए, और जैसे लोग उस पर अमल कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि शायद हम इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं।